हेलो एवरीवन, मेरे पास रंग गोरा करने का जो जादुई पाउडर है वो कुछ और नहीं, चावल का आटा है जिसे हम जाड़े में बिसियों तरह के पकवान बनाते हैं। इस चावल के आटे में मैंने कुछ कच्चे आलूओं का रस भी मिलाया है और इससे मैंने एक वीकली मास्क शीट तैयार किया है और दूसरा डेली फेस वॉश बनाया है। तो इन चीज़ों से एंशियंट टाइम में भी ब्यूटी को निखारने के लिए कई प्रोडक्ट बनाए जाते थे और चावल का आटा तो रंग गोरा करने में बेजोड़ है। इस चावल में इतने गुण हैं कि अगर ये कच्चा चावल रात भर भिगो कर रखा जाए और इसके पानी से चेहरा रिंस किया जाए तो चेहरे पर ये एक ग्लेज, एक चमक सी ला देता है और चेहरा बिल्कुल साफ हो जाता है और चेहरे पर ये एक टोनर का काम करता है। जब स्किन टाइट रहती है तो चेहरे पे साइंस ऑफ एजिंग भी नहीं दिखता और फाइन लाइंस भी नहीं नज़र आता। और चावल का आटा अंदर से स्किन को बहुत ही साफ सुथरा कर देता है तो आपका चेहरा कम से कम 2-3 शेड ज़्यादा फेयर हो जाता है। परफेक्ट क्लींजर होने की वजह से चेहरे को ये बेदाग साफ कर देता है और चेहरे का टोन बिल्कुल इवन हो जाता है। अन इवन पैचेस जो है वो नहीं दिखता और चेहरा ग्लो करने लगता है। आलू के रस में विटामिन सी होता है, क्लींजिंग एजेंट होता है, साथ ही स्किन को ठंडा रखने की इसमें क्षमता होती है, इसीलिए हाथ के जलने पर हम आलू का रस लगाते हैं। तो अगर गर्मी से त्वचा झुलस गई हो, उस पर दाग धब्बे पड़ गए हों, रैशेज आते हों, पिंपल्स आते हों या एक्ने हो, इससे बनाया हुआ क्लींजर, टोनर या मास्क बहुत काम आता है। हम घर में ही एक मास्क शीट बनाएंगे जिसे वीकली इस्तेमाल करेंगे और एक क्लींजिंग मिल्क तैयार करेंगे जिसे हम फेस वॉश के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून चावल के आटे में 4-5 टेबल स्पून पानी मिलाया है और अब इसे एक तरफ रख दें। एक मीडियम साइज़ का आलू लेकर उसे कद्दूकश कर लें और इससे निचोड़कर रस निकाल लें। बस ये ध्यान रखना है कि हम इस क्लींजिंग मिल्क को जब भी तैयार करेंगे सेम डे ही इसका इस्तेमाल कर लेना है, वरना आलू काला हो जाता है। निचोड़ने के बाद इसके पल्प को फेंके नहीं, हम इस लुगदी से अपने हाथ और पाँव का मसाज कर लेंगे, गर्दन, शोल्डर और केहनियों को रगड़ लेंगे। ऐसा करने से वो बिल्कुल दूध की तरह से साफ और सफ़ेद हो जाएगा। ये पल्प बहुत ही काम का होता है और इसे हम स्क्रबर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आलू के रस को एक तरफ रखें और इसमें 4-5 बूंद लेमन के रस का डालें, ज़्यादा नहीं, बस 4-5 बूंद। लेमन के रस में विटामिन सी होता है, ये सबों को पता है, और ये ऑयल को कंट्रोल करता है। तो जिन्हें पिंपल्स आता है या जिनके चेहरे पे बहुत तेल आता है, वाइट और ब्लैक हेड्स की शिकायत है या जिनके ओपन पोर्स हैं, तो लेमन बहुत ही चमत्कारी गुण रखता है और बहुत फ़ायदा करता है। तो अब इस रस में जो हमने चावल के आटे को घोल कर रखा था उसका ऊपरी पानी मिला दें और जो तले में तिलछट है उसे एक तरफ रखें। ये लुगदी भी बहुत काम आता है और ये पेस्ट भी हमारे क्लींजिंग मिल्क की तरह से काम करेगा। अगेन केहनियों पर, एड़ी पर, हाथ और पैर की उंगलियों पर, गर्दन और कंधे पर इससे सफाई होती है और नहाने से पहले इसे हम साफ कर सकते, पूरे बॉडी को उससे मसाज कर सकते हैं। तो अब इस पानी से ही हमें अपना फेस मास्क तैयार करना होगा जो कि बहुत आसान है और हम घर पर ही इसे बना सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। इसके लिए मैंने वेट टिश्यू पेपर लिया है जिसे मैंने पानी से धोकर अच्छी तरह से निचोड़ लिया है ताकि इसका केमिकल निकल जाए। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने दबा दबा कर इसे निचोड़ लिया है। अब ये बिल्कुल ड्राई सा हो गया है। तो अब इस टिश्यू पेपर को जो हमने चावल के आटे और आलूओं के रस वाला पेस्ट जो तैयार किया है उसी में डुबो लेना है और इतना डुबो लेना है कि उस पानी से टिश्यू पेपर बिल्कुल भीग जाए और सारा मिक्सचर जो है वो जज्ब हो जाए, सोक कर लिया जाए। तो अब इस टिश्यू पेपर को हम एक मास्क की तरह से अपने चेहरे पे इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए मैंने आँख, नाक और मुंह की जगह पर 3 कट लगा लिया है। तो अब इस मास्क को अच्छी तरह से चेहरे पर फैला लें और 20 से 25 मिनट तक
इसे चेहरे पर पड़ा रहने दें। ऐसा करने से आपका चेहरा बिल्कुल बेदाग सफ़ेद हो जाएगा। ये तो वीकली सफाई की बात रही, और हम डेली सफाई के लिए इसी चावल के आटे से एक क्लींजर बनाएंगे। चावल के आटे में हम टमाटर के कटे हुए टुकड़े को डुबोकर उससे अपने हाथ पैर गले और चेहरे का मसाज करेंगे। ये टमाटर फ्रिज में रखी हुई ठंडी होनी चाहिए, और टमाटर में तो विटामिन सी होता है, ओपन पोर्स को दूर करता है, चेहरे से ऑयल को हटाता है। जब ऑयल को हटाता है, ऑयल कंट्रोल करता है, तो चेहरे पे पिंपल्स और एक्ने भी नहीं आते, दाग धब्बे नहीं होते, और चेहरा बेदाग चमकीला हो जाता है। विटामिन सी चेहरे पे चमक लाता है। तो इस तरह से ये टमाटर के स्लाइसेस बहुत काम के हैं। आप इन्हें रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। होम रेमेडीज़ आपको फ़ायदा तो पहुंचाती है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होता। साथ ही लगातार इस्तेमाल के बाद आपके स्किन पर इसका परमानेंट फ़ायदा दिखेगा। तो उम्मीद है आज की ये होम रेमेडी आपको पसंद आई होगी। इसे बनाएं और बना कर रख लें। आप चावल का आटा एक रखे रहें, और इसे पानी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके चेहरे पे ज़्यादा तेल आता है, पसीना आता है, वो इसे गुलाब के पानी से घोल लें, और जिनके चेहरे पे ड्राइनेस होती है, या आप इसे जाड़े में इस्तेमाल अगर करना चाहते हैं, तो इसे कच्चे दूध से घोल लें, या अगर कच्चा दूध लाना मुमकिन ना हो तो आप मिल्क पाउडर रखें, और जिनके ड्राई चेहरे हैं वो इस पर मिल्क पाउडर से इसे घोलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई तरीके हैं इसे इस्तेमाल करने के। आप इसे एक बार बनाकर लगाएं और आप देखें कि ये कितना काम करता है। और मैंने इसे अपने हाथों पर इस्तेमाल किया है, और आप देख सकते हैं कि दाहिने और बाएं दोनों हाथों में काफ़ी फ़र्क दिख रहा है। बायां हाथ बिल्कुल सॉफ्ट बेबी स्किन की तरह से दिख रहा है। तो आप इसे लगाएं और ख़ुद फ़र्क देखें। उम्मीद है आज की ये होम रेमेडीज़ आपको पसंद आई होगी। मैं इसी तरह के और भी कई वीडियोज़ आपके फ़ायदे के लिए लाना चाहती हूँ। उम्मीद है आप इसे एंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।